नमस्कार, मैं हूं प्रणव राज और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। भाजपा ने अपने राज्यसभा उम्मीदवार के नाम घोषित कर दिए हैं, जिसके बाद से तमाम जो समुदाय हैं वो भाजपा से काफ़ी निराश हैं। सबसे पहले कास्ट महासभा के लोगों ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर अपनी निराशा को जाहिर किया और उन्होंने कहा कि आरके सिन्हा को टिकट नहीं देने कर भाजपा ने गलती की है और इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ेगा और वो काफ़ी निराश थे। और आज सुबह सुबह ही पटना में तमाम जो प्रमुख इलाके हैं पटना के, वहाँ पर कुशवाहा महासभा के लोगों ने पोस्टर लगा दिया है। पोस्टर के माध्यम से उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया है। क्या कुछ है पोस्टर में लिखा हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। उन्होंने पोस्टर में लिखा है, भाजपा के द्वारा लोकसभा चुनाव में कुशवाहा समाज को राज्यसभा भेजने का वादा किया, आज कुशवाहा समाज का अपमान क्यों, जवाब दें। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि पहले उन्होंने कहा था कि लोकसभा में सीट नहीं मिल रही है, इसलिए राज्यसभा में सीट मिलेगी, जिसके बाद भी सीट नहीं मिला, इससे वो लोग काफ़ी निराश हैं। और उन्होंने पोस्टर लगाया पटना में, एक और पोस्टर उन्होंने जाहिर किया है, जिसमें लिखा है, भाजपा द्वारा कुशवाहा जाति को अपमानित करना बंद करो, अब हम अपमान नहीं सहेंगे। तो यह साफ है कि भाजपा ने विवेक ठाकुर को टिकट दी है राज्यसभा की, जिसके बाद से तमाम जो समुदाय हैं, चाहे वो कुशवाहा समाज हो, चाहे वो कास्ट महासभा हो, सभी ने अपना अपना विरोध जाहिर किया है। और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक मलाल है कि भाजपा ने उनसे वादा किया था और उन्हें सीट नहीं दी, जिसको लेकर के वो काफ़ी निराश हैं और पटना के तमाम प्रमुख जगहों पर पोस्टर लगाकर अपना विरोध जाहिर किया है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।